दिया, ये अनीता जी इतनी रात को बाहर कहाँ बैठी हैं? अनीता जी, ये क्या हुआ? इतनी रात को आप बाहर कहाँ बैठी हैं? सोई नहीं? आप सोई नहीं अभी तक? हाँ नहीं, हम नहीं सोए। वो कहा है ना कि हम बाहर का गेट पर चेक करने आए थे। रात को ना एक तो सांड घुस जाता है और सारे पेड़ पौधे खा जाता है। हम ताला मारने आए थे तो देखिए क्या बाहर बैठी हैं। आपको नींद नहीं आ रहा है का? हाँ बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी। हाँ, विभूति जी सो गए का? हाँ सो गया होगा विभू। वो लड़की भी है साथ में? नहीं नहीं वो लड़की नहीं है विभू के साथ। हाँ तो बात पूछे का, आपको ये सोचकर बुरा नहीं लग रहा है कि कल को वो लड़की आप ही के बेडरूम में भरभूति जी के साथ सोएगी? देखिए ना मैं आपसे क्या कह रही थी, नवंबर का महीना आने वाला है और कानपुर में ठंडी नहीं पड़ रही है। आपको याद है इस मौसम में कानपुर में कितनी ठंड पड़ी थी पिछली बार? हाँ पड़ा तो था, लेकिन क्या लगता है हमको कि इस साल ना कछु क्लाइमेक्स बदल रहा है। हाँ आपका मतलब है क्लाइमेट। सही पकड़े हैं। तो हम क्या बोल रहे थे? तिवारी जी, तिवारी जी नहीं सोए अभी तक? तिवारी जी हाँ वो तो सो गए और खर्राटे मार मार कर सो रहे हैं। बहुत खुश है, बहुत खुश। वो कहा है कि भरभूति जी का दूसरा शादी से उनको बहुत फायदा हो रहा है ना। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि हमको ये शादी से बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रहा है। देखिए ना अंगूरी जी, ठंड के मौसम में ही तो मजा आता है गाजर का हलवा खाने में। याद है आपने पिछली बार ठंड के मौसम में मुझे कितनी बार गाजर का हलवा खिलाया था? लगता है आप इस बार नहीं खिलाएंगी। ऐसा काहे बोलती हैं, खिलाएंगे, जरूर खिलाएंगे आपको। हाँ अम्मा जी खेत का गाजर भेजेंगी ना तो आपके लिए बनाएंगे और आपको खिलाएंगे अच्छे से। लेकिन हमको बहुत बुरा लग रहा है। हाँ अगर हम आपकी जगह होते ना तो चाहे हमरा जान चला जाता, हम मर जाते। लेकिन अपने पति का सौदा हमरा मतलब है कि लड्डू के भैया का सौदा हम कभी ना ही करते। आप ही बिल्कुल अच्छा ना ही कर रही हैं, बिल्कुल भी अच्छा ना ही कर रही हैं। हाँ